यूपी में विधानसभा चुनाव आगे बढ़ने के साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। यूपी के हरदोई की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इनका जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि आतंकी धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे, मैं हैरान हूँ ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। यूपी के लखीमपुर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आए फैसले का जिक्र करते हुए कहा, उस आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से है, वो समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहा है। समाजवादी पार्टी की इन आतंकवादियों के प्रति संवेदना क्यों है जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। याद करिए, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव को आज का औरंगजेब बता दिया। यूपी के देवरिया की चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो अपने पिता का नहीं हो सका वो आपका क्या होगा। मुलायम सिंह ने खुद ऐसा कहा है। अहमदाबाद बम ब्लास्ट में आए फैसले का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी मोहम्मद सैफ का पिता समाजवादी पार्टी का नेता है। शिवराज सिंह ने कहा कि अखिलेश जवाब दें, आखिर वो आतंकवादियों पर इतनी रियायत क्यों करते हैं। आतंकवाद के बहाने बीजेपी के हमलों का अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उन्होंने इन आरोपों की बीजेपी की समाज को बांटने वाली रणनीति का हिस्सा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता से किए गए वादे बीजेपी ने 5 साल में पूरे नहीं किए, यही वजह है कि जनता इनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए बीजेपी नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी का हमेशा जैसे ही चुनाव आता है वो उनका तरीका है काम करने का, कि कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें, कैसे हिंदू मुसलमान करें, हर पुरानी नई चीज या सदियों पुरानी चीजों को उखाड़ करके लाएंगे और जनता के सामने रखेंगे।